अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत सारी अपडेट्स आई हैं नैपटेक टेस्ट और इंटरव्यूज के लिए। समर ऑफ कोड और शी फिक्सेस का प्रोग्राम स्टार्ट किया नैपटेक ने इस समर के लिए। शी फिक्सेस लेडीज के लिए, खवातीन के लिए था, और समर ऑफ कोड जनरल था आईटी की कोड ट्रेनिंग्स के ऊपर। सो बहुत सारे क्वेश्चन उस पे आ रहे थे, मैंने कहा कि आप लोगों के साथ कुछ अपडेट शेयर करूं। सो सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि जी टेस्ट कब होगा और कौन लेगा। सो इस दफा एनटीएस की जो थर्ड पार्टी है उसको सिलेक्ट किया गया नैपटेक ने। सो पहले क्या होता था, इंस्टीट्यूट टेस्ट लेते थे, इस दफा एनटीएस टेस्ट ले रहा है। और दूसरा सवाल ये था कि जी टेस्ट कब है। अब रूल ये डिफाइन हुआ कि एनटीएस ने जो जो स्टूडेंट सिलेक्टेड थे उनको एसएमएस किया या कॉल किया और उनको टेस्ट डेट के लिए बताया। सो 9 जून को उनका पहला टेस्ट हो चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी परेशान हैं, तो इसके ऊपर मैंने डिफरेंट अथॉरिटीज को कॉन्टेक्ट करके पता करने की कोशिश की, तो उससे यही इन्फॉर्मेशन मिली है कि जो बाकी कैंडिडेट्स हैं अगर उनकी कोई एलिजिबिलिटी में या कोई प्रॉब्लम नहीं है तो एनटीएस उनको कॉल करेगी और उनका टेस्ट लिया जाएगा। कब होगा टेस्ट? मोस्ट प्रोबेबली ईद से पहले। अब बहुत कम दिन रह गए हैं तो फौरन ईद के बाद के चांसेस हैं कि ये टेस्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि जी टेस्ट के अंदर सवाल क्या पूछे जाएंगे। तो सवाल टेस्ट के अंदर एनटीएस वाले देते हैं, तो उनकी बहुत सारी चीजें नॉन है कि वो किस तरह के सवाल करते हैं। तो जिन लोगों ने 9 जून को टेस्ट दिया उनका टेस्ट इस तरह से हुआ कि उनके 20-20 नंबर के पोर्शन बने हुए थे, और उन 20 जो थे क्वेश्चंस के पोर्शन में एनालिटिकल टाइप क्वेश्चन थे, जनरल मैथ्स के क्वेश्चन थे, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन थे, पाकिस्तान स्टडीज के क्वेश्चंस थे और इंग्लिश के क्वेश्चंस थे। और वो क्वेश्चंस जो हैं टू टेस्ट देने वाले बच्चे हैं वो यही कहते हैं कि गैट का जो स्टैंडर्ड टेस्ट होता है उससे आसान थे। उसके बाद सवाल आता है कि जी अब जिनका टेस्ट हो चुके उनका रिजल्ट कब आएगा। तो रिजल्ट जो है वो एनटीएस वाले ही अनाउंस करेंगे और उनकी वेबसाइट पे आएगा। डेफिनेटली जल्द से जल्द आना चाहिए, और ज्यादा चांसेस यही है कि जब सब स्टूडेंट्स के टेस्ट हो जाएंगे तब रिजल्ट अनाउंस होगा और उसके ऊपर फिर नेक्स्ट फेज डिसाइड होगी कि कोर्स के अंदर कौन आएगा। एक और सवाल ये है कि जी पहले होता था टेस्ट और उसके बाद इंटरव्यू, जो कि इंस्टीट्यूट लेता था और चेक करता था कि कौन से स्टूडेंट हैं वो सुटेबल हैं, प्लस टाइमिंग्स और कमिटमेंट्स और ये चीजें भी इंटरव्यू में चेक की जाती थी। तो इंटरव्यू कब होगा, होगा भी या नहीं होगा, तो इस दफा ये क्लियर नहीं है क्योंकि जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो थर्ड पार्टी एनटीएस को दिया गया। तो इस वक्त तक अभी तक ये बात क्लियर नहीं है कि इंटरव्यू होगा भी या नहीं होगा। और दूसरा ये भी क्लियर नहीं है कि जहाँ इंस्टीट्यूट्स में आप सिलेक्ट होंगे वो इंटरव्यू लेगा या कोई और लेगा। उसके बाद सवाल ये आता है कि टेस्ट भी हो गए, इंटरव्यू भी हो गए, जून का महीना तकरीबन खत्म होने को आ रहा है, तो क्लासेस कब स्टार्ट होंगी। तो ये बात तो वाजे तौर पर नजर आ रही है कि ईद से पहले, क्योंकि अभी टेस्ट वगैरह और सिलेक्शन प्रोसीजर नहीं हुआ तो नहीं हो सकती, ईद के बाद ही होंगे। होपफुली जुलाई के स्टार्ट में ये क्लासेस स्टार्ट हो जानी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ ये भी बहुत जरूरी है क्योंकि ये समर ऑफ कोड है, समर के अंदर कोर्स खत्म होना चाहिए। तो नैपटेक और बाकी जो अथॉरिटीज है वो चाहेंगी कि ये कोर्स जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो और विद इन द समर फिनिश हो। ये बहुत सारी अपडेट थी जो मैंने आपको दे दी। इसके बावजूद अगर आपका कोई सवाल हो या कोई और चीज पूछनी हो तो आप मुझे कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको हर अपडेट वक्त के ऊपर मिलती रहे। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।